ट्रेडिंग के मुतालिक जब भी सोचते हैं, जब भी ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करते हैं या ट्रेडिंग से रिलेटेड लोगों को देखते हैं, क्रिप्टो ट्रेड करते हुए या फॉरेक्स ट्रेड करते हुए, तो उसमें 95% लोग फेल हो जाते हैं, जिनके कुछ बेसिक रीजंस हैं जो आप लोगों के साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को पहले विजिट नहीं किया हुआ, तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैंने चैनल पे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, बाइनेंस पे स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है और फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है। अगर आप लोगों ने ये बेसिक चीजें नहीं सीखी या बेसिक्स के बारे में आप नहीं जानते कि स्पॉट ट्रेड क्या है या फ्यूचर ट्रेड क्या है, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड कि ट्रेडिंग जब आप करते हैं उसमें लोग फेल क्यों होते हैं, क्यों नुकसान उठाते हैं, क्यों आपका पैसा जाया हो जाता है। आप $100 से ट्रेड करते हैं, $200 से ट्रेड करते हैं, 5,000 या 10,000 पाकिस्तानी रुपीज से ट्रेड करते हैं, उसके बावजूद आपको यहां पे फेलियर का सामना करना पड़ता है, रीजन क्या है। अब सबसे पहले हम जाएंगे, यहां पर मेरे पास एक बुक है, मैं आप लोगों के साथ कुछ बैड ट्रेडिंग हैबिट्स शेयर कर देता हूं जिनको ट्रेडिंग के बारे में पता है लेकिन फेल हो जाते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास है ओवर ट्रेडिंग। आप लोग दिन में अगर एक ट्रेड बन रही है, दो ट्रेड्स बन रही हैं, एक ट्रेड लें, दो ट्रेड्स लें, लेकिन कुछ लोगों को ये आदत होती है कि जैसे ही एप्लीकेशन ओपन करनी है, बिट गेट ओपन कर रहे हैं या बाइनेंस ओपन कर रहे हैं, फॉरन मार्केट ओपन की, वहां पे हमें नजर आया कि बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। जैसे मेरे पास ये चार्ट ओपन है, यहां पर बिटकॉइन ऊपर मूव करता हुआ नजर आ रहा है 1 मिनट में यहां से, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने ओपन किया तो मैंने देखा कि यार बिटकॉइन तो पंप हो रहा है, मैंने फौरन इसमें ट्रेड ले ली, अगेन ट्रेड, दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, सुबह से लेकर शाम तक मैंने को 10 ट्रेड्स या 15 ट्रेड्स ले लिए, ओवर ट्रेडिंग हो गई। आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है, क्योंकि आपकी जो ट्रेडिंग है ये काम किस चीज पे करती है, 90% ये साइकोलॉजी पे काम करती है। ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी पे काम करती है, 10% स्किल्स इसमें काम आते हैं। मेंटली आप लोग जब तक फ्रेश नहीं होंगे, आप लोग ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे तो आप लोगों को यहां पे लॉस होगा। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाता है नॉट फॉलोइंग अ प्लान। आप किसी एक प्लान को फॉलो नहीं करते। अब प्लान को फॉलो किस तरह से करना है, हमने अपने पैटर्न सेट करने, हमने चार्ट्स को फॉलो किया, चार्ट पैटर्न सेट किए, चार्ट पैटर्न भी मैं आगे चल के आपको बताता हूं, कुछ दिखाता हूं, हमने उनको फॉलो करना है कि जैसे ही हमें ट्रेड नजर आ रही है कि यहां पे ट्रेड ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई एक पैटर्न बना दिया है और उस पर ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट हो गई है मार्केट, उसके बाद हमने उसमें ट्रेड लेनी है, हमने एक प्लान बना के चलना है, हमने एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। अगर आप विदाउट एनी स्ट्रेटजी ट्रेडिंग करेंगे तो आप लोगों को यहां पर बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, आप लोगों के पैसे यहां पर सारे के सारे जाया हो जाएंगे। तो हमें प्लान के बगैर ट्रेड नहीं करनी कि मार्केट में आए, मार्केट में हमने देखा मार्केट ऊपर जा रही है, बाय की ट्रेड ले ली, मार्केट नीचे जा रही है, सेल की ट्रेड ले ली। आप लोगों को इस चैनल पे मैं इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीजें ट्रेडिंग से रिलेटेड सिखाऊंगा, इंडिकेटर्स के बारे में हम बात किया करेंगे, स्ट्रेटजीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आप किस तरह से प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है थर्ड मिस्टेक, एंट्रिंग टू अर्ली। किसी भी ट्रेड में बहुत जल्दी एंटर कर जाओ। मिसाल के तौर पे हमने एक ट्रेड ली है और वहां पर हमने एक चार्ट बना लिया है, हमारे पास एक चार्ट है, हमने चार्ट बनाया, उस पैटर्न को फॉलो करना हम पे लाजिम है। हम पैटर्न के अंदर देख रहे हैं कि मार्केट रेंज में है, मार्केट रेंज में चल रही है, आउट नहीं हो रही, ना तो ब्रेक डाउन कर रही है ना ही ब्रेक आउट हो रहा है, और हम जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रेड में एंटर हो जाएं। हम ट्रेड में एंटर हो गए हैं, अभी तक जो पैटर्न हमने बनाया है मार्केट उस पैटर्न को फॉलो कर रही है, अभी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन नहीं हुआ और हमने उसमें एंट्री ले ली है, और उसके बाद अगर मार्केट हमारे ऑपोजिट चली गई, ऑब्वियसली हमें लॉस होगा। फोर्थ सबसे बड़ी जो बैड हैबिट है वो है रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग लोग कैसे करते हैं, मैंने एक ट्रेड ली उसमें मुझे लॉस हो गया, तो जितने भी प्रो ट्रेडर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो उसके बाद उसमें ट्रेड नहीं लेंगे, उस दिन ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आज मैंने एक ट्रेड ली है मुझे उसमें लॉस हो गया है, तो मैं उसमें अगेन ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन अगर मुझे इस चीज की सेंस नहीं है, अगर मैंने इस चीज को सीखा हुआ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिवेंज ट्रेडिंग करूंगा, मैं मार्केट में आके बदला लेने की कोशिश करूंगा कि अगर मैंने ट्रेड लगाई
कि मैं बाय कर रहा हूं, मार्केट मेरे ऑपोजिट जाती है, बिटकॉइन या कोई भी कॉइन है वो नीचे की तरफ मूव करने लग जाता है, मुझे लॉस होता है, मैं अपनी ट्रेड को क्लोज करता हूं और मैं अगेन नीचे की तरफ ट्रेड लगा दूंगा, मैं शॉर्ट कर दूंगा, सेल कर दूंगा और इन रिजल्ट क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ेगी तो मुझे वहां से अगेन लॉस हो जाएगा। रिवेंज ट्रेडिंग में आके जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो मार्केट से बदला लेने के चक्कर में आप लोग अपना दोबारा नुकसान कर बैठते हैं। उसके बाद हमारा पांचवा सबसे बड़ा मसला, एग्जिटिंग बिफोर एसएल हिट्स। हमने एक स्टॉप लॉस सेट कर दिया है, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दे देता हूं, हमारे पास यहां पर ट्रेड है, इस जगह पर हमने एंट्री ले ली, फॉर एग्जांपल इस जगह पर हमने एंट्री ले ली है, ये वाली पोजीशन है एंट्री की, यहां पर हमने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया है इस जगह पे करके, इस जगह पे या हमने इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा दिया, यहां पे हम देख रहे हैं दो कैंडल्स, सो हम क्या करेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं, मैं आपको यहां पे कुछ दिखा देता हूं, इस जगह पे हमने फॉर एग्जांपल अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, यहां पर हमने एंट्री ले ली है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे, एंट्री ली है, मार्केट नीचे आ रही है, मार्केट नीचे आ रही है, मेरा स्टॉप लॉस यहां पे लगा हुआ है और मैं जब यहां पे अगेन रेड कैंडल एक देखता हूं, डरते हुए मैं यहां पे आके स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ट्रेड अपनी क्लोज कर देता हूं, मैं मार्केट से आउट हो जाता हूं, मैंने स्टॉप लॉस ये वाला सेट किया हुआ है, जब मुझे इतना लॉस हो गया है तो अगेन मैं यहां तक बर्दाश्त कर लेता हूं, मुझे अगर मैं सीखा हुआ मैंने ट्रेड को तो मुझे चाहिए कि मैं यहां तक अपने स्टॉप लॉस को हिट होने तक इंतजार कर लूं। मार्केट जब यहां पे आई, इस जगह पे मैंने ट्रेड अपनी क्लोज कर दी, मार्केट इससे नीचे जाने की बजाय साइडवेज हुई और यहां से मार्केट पंप होना शुरू हो गई। अब आप सोचें कि आपने यहां पे एंट्री ली है, मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है, तीन चार कैंडल्स बनी है, आपने डर के मारे यहां से ट्रेड को क्लोज कर दिया, स्टॉप लॉस हिट होने का इंतजार नहीं किया, यहां से मार्केट ऊपर जाती है, यहां से लेके यहां तक आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है जिसको आपने प्रॉफिट की बजाय नुकसान में क्लोज कर दिया। तो ये एक बैड हैबिट है कि आपने एक स्टॉप लॉस को हिट आपने वहां पे सेट कर दिया है और उस स्टॉप लॉस को हिट होने से पहले आप डर के उस मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बुरी आदत है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटरिंग लेट, लेट एंटर होना, मिसाल के तौर पर मैं अगेन आपको यहां पर मिसाल देता हूं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये ट्रेड साइडवेज चल रही है, इस जगह से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, यहां पे मार्केट हमें अप होती नजर आ रही है, अब ये जो पहले वाली हमारे पास कैंडल्स हैं इसके ऊपर मार्केट क्लोज भी हो गई, यहां पे मार्केट की कैंडल बनी है, उसके बाद ये एक बुलिश कैंडल आपको वन मिनट में नजर आ रही है यहां पर, अब हमें चाहिए कि इस कैंडल में हमें एंट्री ले लेनी चाहिए, वन मिनट की ट्रेड है ना, जस्ट वन मिनट का चार्ट है, इसमें हमें ट्रेड ले लेनी चाहिए ताकि मार्केट ऊपर जाए तो हम अपना प्रॉफिट ले लें, लेकिन हम यहां पे ट्रेड नहीं लेते हैं, यहां पे ट्रेड नहीं लेते हैं, यहां पे भी ट्रेड नहीं लेते हैं, जब हमने ये तीन चार कैंडल्स देख ली कि यार मार्केट तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, हम इस वाली कैंडल में जाके एंटर हो जाते हैं और इंतजार करने लग जाते हैं कि मार्केट पंप हो रही है और ऊपर जाएगी, लेकिन यहां से मार्केट नीचे आ गई, यहां पर जब हम लॉस में अपने आप को देखेंगे तो हम अगेन डर के मारे ट्रेड को क्लोज कर देंगे, हमें जो एंट्री इस कैंडल में लेनी चाहिए थी वो एंट्री हमने इस कैंडल में जाके ली और हमें यहां पर अगेन नुकसान उठाना पड़ गया। लेट एंट्री लेना भी एक बैड हैबिट है। उसके बाद स्किपिंग डेमो ट्रेडिंग, ये सबसे बड़ा मसला है जो नए ट्रेडर्स हैं, सबसे बड़ा मसला कि आप लोग डेमो ट्रेड नहीं करते, आप लोग सीखते नहीं है, जब भी आप किसी भी मेंटोर के पास चले जाएं, आप किसी भी एकेडमी में चले जाएं, किसी से भी जाके आप सीखने की कोशिश करें कि हमें ट्रेडिंग सिखा दी जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करवाया जाएगा, आपको डेमो ट्रेड करवाई जाएगी, डेमो बाइनेंस भी ऑफर करता है, डेमो बिटगेट भी ऑफर करता है, डेमो के लिए आप एक्सनेस भी यूज कर सकते हैं, डेमो के लिए आप मैक्सी ट्रेड भी यूज कर सकते हैं, मैक्सी जो प्लेटफॉर्म है वो भी आप यूज कर सकते हैं, डेमो ट्रेडिंग करना इंतहाई जरूरी है, या आप उसे पेपर ट्रेडिंग कह सकते हैं, जब आप ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं, पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है, आपने फॉर एग्जाम्पल यहां पे अपना चार्ट पैटर्न एक सेट कर दिया है, एक चार्ट पैटर्न आपने बना दिया है कि ये मेरा चार्ट है, इसको मैंने फॉलो करना है, अब मैं आपको यहां पे मिसाल देता हूं, हम यहां पे एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, यहां से इसको ट्रेंड लाइन को खींचना शुरू करते हैं, इस जगह पर हमने अपनी ट्रेंड लाइन को लगा दिया, ये हमारी ट्रेंड लाइन आ गई, हम अगेन ट्रेंड लाइन को पकड़ेंगे,
इधर से और इस जगह पे हमने अपनी ट्रेंड लाइन को सेट कर दी। ये एक हमारा चैनल बन चुका है। इस चैनल के अंदर मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड यहां से मार्केट हमारी ब्रेकआउट हुई है। 1 मिनट की है टाइम फ्रेम पे। यहां से जब हमारी मार्केट बाहर चली गई है तो हमने जब ये अपना चैनल क्रिएट किया है, हमने 3 कनेक्ट कर दिए हैं, यहां से हमने 3 को कनेक्ट कर दिया है। हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारी मार्केट जो है वो हमारे चैनल के अकॉर्डिंग, जो हमने पैटर्न एक बना दिया है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करती है या नहीं करती, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है या नहीं जाती। अब हम यहां पे 4 आवर्स में अगर जाते हैं, ये हम 4 आवर्स में आ चुके हैं, ड्राइंग्स को हम रिमूव कर देते हैं। 4 आवर्स में ये हमारे पास यहां पे मार्केट है। अगर आप इसमें देखते हैं, इसको हम बोलिंगर बैंड को बंद करते हैं, बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं चार्ट को। इसको अगर आप देखते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है। हेड एंड शोल्डर, ये वाला एक पैटर्न है जिस पैटर्न को मार्केट फॉलो करती है। अगर नीचे हेड एंड शोल्डर बनता है तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, ऊपर की तरफ पंप करती है। अगर हमने यहां पे हेड एंड शोल्डर बना दिया, ये आपको शोल्डर नजर आ रहा है, ये हेड नजर आ रहा है और अगेन ये वाला शोल्डर आपको नजर आ रहा है। जब मार्केट में हमने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है और उस पैटर्न को हम वेट करेंगे, क्योंकि हम डेमो ट्रेड ले रहे हैं, हम यहां पर वेट करेंगे कि मार्केट हमारे पैटर्न को ब्रेक करती है या नहीं करती। जब मार्केट हमारे पैटर्न को ब्रेक कर जाएगी, जैसे हमने यहां पर अपनी एक रेसिस्टेंस सेट कर देनी है कि मार्केट यहां से बार बार रेसिस्ट हो रही है इस जगह पे, यहां से मार्केट बार बार रेसिस्ट हो रही है, तो जब मार्केट यहां से हमारे उस पैटर्न को ब्रेक कर जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, उसके बाद हमने उसमें एंट्री लेनी है जब वो रीटेस्ट करेगा। डेमो ट्रेडिंग करने से क्या होगा, आप 10 पैटर्न्स बना रहे हैं, 20 पैटर्न्स, 30 पैटर्न, जितने चार्ट्स आप डेली प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, डेमो ट्रेडिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। ये थी कुछ बैड हैबिट्स जिन वजूहात की बिना पर आप फेल हो जाते हैं। 95% लोग यहां से फेल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या इसमें सीखना होता है, हमें कैंडल्स के बारे में नहीं पता, हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में नहीं पता, हमें प्राइस एक्शन का नहीं पता, और ये नहीं पता कि हम कितने डॉलर से अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट लें। इन 4 चीजों पे मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए इंतहाई जरूरी है, जो कि मैं आप लोगों को इस पॉइंट में भी बता चुका हूं कि डेमो ट्रेडिंग करना इंतहाई जरूरी है। आप डेली के 10 चार्ट्स बनाएं, आप डेली के 15 चार्ट्स बनाएं, 20 चार्ट्स बनाएं, सबसे पहले इन्वेस्ट किए बगैर सिर्फ ट्रेडिंग को सीखने की कोशिश करें। जब तक आप उसे सीख लेंगे मुकम्मल, उसके बाद आप लोगों ने ट्रेडिंग शुरू कर दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास, मैं आप लोगों को बताता हूं कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, जैसे हमारे पास यहां पर ये है तो रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में 2%, 3%, 4%, 5% आप कितना लॉस करना चाहते हैं, आप कितना लॉस उठा सकते हैं, आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट को लाजमी जहन में रखना है। अगर आप $100 लगा रहे हैं तो $100 में आपकी रिस्क मैनेजमेंट ये होनी चाहिए कि अगर आपकी ट्रेड में स्टॉप लॉस है तो वो $1 का होना चाहिए, और अगर टेक प्रॉफिट है वो $2 का होना चाहिए। कि अगर आपकी ट्रेड आपके हक में जाती है आपको $2 दे के जाए, और अगर आपकी ट्रेड आपके खिलाफ जाती है तो आपका नुकसान सिर्फ $1 का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसा कि 1:2 की रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है, यहां पर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो $200 का नुकसान होगा, अगर टेक प्रॉफिट हिट होता है तो $400 का प्रॉफिट होगा। आपकी स्ट्रेटजी हमेशा ये होनी चाहिए, आप 1:3 करें, आप 1:4 करें, 1/5 करें, इट्स अप टू यू। आपका नुकसान थोड़े से थोड़ा होना चाहिए और फायदा ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, आपके माइंड में ये होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैंडल्स आ जाती हैं। ये हमारे पास बुलिश कैंडल पैटर्न्स हैं, मॉर्निंग स्टार, ये मॉर्निंग डॉजी स्टार है, ये मॉर्निंग हैमर स्टार है, ये बेरिश कैंडल पैटर्न है, इवनिंग डॉजी स्टार, इवनिंग हैमर स्टार। ये वाली कैंडल अगर ऊपर बनती हुई नजर आती है तो यहां से मार्केट नीचे जाएगी, ये वाली कैंडल ऊपर बनती हुई नजर आती है तो मार्केट यहां से नीचे जाएगी। अगर ये मॉर्निंग डॉजी स्टार या मॉर्निंग हैमर स्टार नीचे की साइड पे मार्केट में आपको बनता हुआ नजर आ रहा है तो मार्केट वहां से ऊपर वाली साइड पे जाएगी।
गेन यहां पर, वीक मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार स्ट्रॉन्ग, यहां पर वीक इवनिंग स्टार, स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार, ये सारे के सारे हमारे पास आगे पैटर्न्स आ चुके हैं, चार्ट पैटर्न जिनको सीखना जरूरी है। बुलिश बेरिश, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है, एक चैनल में साइडवेज हो जाती है, उसे ब्रेकआउट करती है, मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिश पिनेंट, बुलिश फ्लैग, बेरिश रेक्टेंगल, बेरिश पिनेंट, बेरिश फ्लैग, ये पैटर्न्स हैं सारे के सारे। इन पैटर्न्स को जब तक आप लोग नहीं सीखेंगे, कैंडल्स को जब तक आप लोग नहीं सीखेंगे, आप लोग कभी भी ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद ये हमारे पास चार्ट पैटर्न्स हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये मैंने आपको बताया, ये शोल्डर, ये हेड है और ये शोल्डर है। अब ये वाली जो हमारी आगे रेसिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना है और मार्केट ऊपर जाएगी। अब वापस हम अपने चार्ट में जाते हैं। वन डे पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है बिटकॉइन का। पाथ टूल को हम सिलेक्ट करेंगे, इस जगह से हम अपना शोल्डर बनाएंगे, ये एक शोल्डर है हमारा, यहां पे हमारा हेड है, ये हमारा हेड कंप्लीट हो गया और ये हमारा अगेन शोल्डर कंप्लीट हो गया, इसको हमने अपना कंप्लीट कर दिया। ये आपको सेम वही पैटर्न बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है, जो हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। इसके बाद मार्केट ऊपर की साइड पे मूव करती है। अगेन अगर आप देखते हैं यहां से मार्केट आपकी, ये शोल्डर है, यहां पे हेड है, अगेन ऊपर गया, ये शोल्डर आ गया, यहां पर हमारी मार्केट कंप्लीट हो गई है। तो हमारे पास यहां पर जो एक रेसिस्टेंस का जोन बना हुआ है, इसको अगर आप यहां पे सेट करते हैं, ये आपके पास रेसिस्टेंस आ जाती है। इस जगह से जो मार्केट ऊपर गई है, ये आपके पास रेसिस्टेंस है। बार बार मार्केट यहां पे रेसिस्ट कर रही है, यहां पे मार्केट बार बार रेसिस्ट करती रही है, यहां से मार्केट बार बार रेसिस्ट करती रही है और इस जगह पे मार्केट इसी सपोर्ट से ऊपर उठती रही है। यहां से मार्केट ऊपर उठी है। इसके बाद अब हम अगर अपना चेक करना चाहते हैं कि इसका जो अगला टारगेट है वो कितना हो सकता है, आप यहां पर फिबोनाची भी यूज कर सकते हैं। प्राइस रेंज में जाते हैं, प्राइस रेंज में जाके हमने यहां से सिलेक्शन की है और इस जगह तक हमने आके अपनी प्राइस रेंज सेट कर दिया कि हमारी ये वाली रेंज है। अब हम इसको उठाते हैं और यहां पर रख लेते हैं। हमारा जो अगला टारगेट होगा वो होगा 47,800। और अगर आप देखते हैं अगेन कि हमारी रेसिस्टेंस कहां पे आ रही है, अगर आप इसी पॉइंट को टारगेट करते हैं तो मार्केट इसी जगह से एग्जैक्टली यहां से पहले नीचे आई हुई है। सेम टारगेट ये हमारा ऊपर की तरफ होगा, जब यहां से मार्केट अपना ये पैटर्न कंप्लीट करके इधर से ब्रेकआउट करेगी तो हमारा अगला जो टारगेट होगा वो 47,800 होगा और यहां से ही मार्केट हमारी नीचे की तरफ आई। अब मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि जनाब हमारे जो लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, जो क्रिप्टो में आना चाहते हैं, जो ट्रेड करना चाहते हैं, वो इसको सीखना पसंद नहीं करते हैं। जब तक आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग को सीखेंगे नहीं, तब तक आप लोग यहां से कभी भी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। ये पैटर्न्स हैं, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम। डबल टॉप बनता है मार्केट नीचे जाएगी, डबल बॉटम बनता है मार्केट ऊपर जाएगी, ट्रिपल टॉप बनता है नीचे जाएगी, ट्रिपल बॉटम बनता है मार्केट ऊपर जाएगी, ये सारे के सारे पैटर्न्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ये यहां पर हमारे पास रेसिस्टेंट है और अगर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, रेसिस्ट कर रही है। मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट कर गई है और नीचे आके उसे रीटेस्ट कर रही है, तो यही रेसिस्टेंस जहां पर पहले मौजूद है, इधर से हमें ये ऑलरेडी जो रेसिस्टेंस थी वो अब हमारे पास सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। अगर आप यहां पे मार्केट में आते हैं, अगर आप मार्केट में आते हैं तो मार्केट में आके आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मार्केट इस जगह पर मूव करती रही है, साइडवेज साइडवेज मूव करती रही है। यहां पे आपको मार्केट नजर आ रही है कि इसने मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट यहां से ऊपर चली गई, ऊपर जाके वापस मार्केट आई है, जब नीचे इसके गुजर गई है, अगेन इस लाइन से नीचे गुजर गई है, तो मार्केट बार बार यहां से रेसिस्ट कर रही है, यहां से रेसिस्ट कर रही है, अगेन यहां पर रेसिस्ट कर रही है, बार बार यहां से मार्केट रेसिस्ट कर रही है। जब यहां से मार्केट ब्रेक कर जाएगी, उसके बाद ये वाली जो रेसिस्टेंस है, जो इस टाइम पे मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रही, यही मार्केट में चेंज होके सपोर्ट के तौर पे आ जाएगी और मार्केट को यहां से नीचे जाने के लिए रोकेगी कि अब यहां से मार्केट नीचे नहीं जा सकती। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बहुत जरूरी है, प्राइस एक्शन बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन में जो ये सारे के सारे पैटर्न्स मौजूद हैं, पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, कैंडल्स को कैसे समझना होता है,
ये सारी की सारी चीजें आपकी प्राइस एक्शन में आती हैं, और उसके बाद आप लोगों की जितने भी एनालिसिस हैं जो कि आप न्यूज बेस्ड करते हैं उनको आपने देखना होता है। अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे जाते हैं कि मिनिमम आप लोग जो ट्रेड लें, अगर आपने सीख लिया है इन सारी की सारी चीजों में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नहीं है कि बहुत ईजी है, आप लोग सिर्फ इन चार चीजों को देख के उसके बाद आप कहें कि मैं ट्रेड ले सकता हूं, इम्पॉसिबल। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप लोग इस पे काम करते हैं, ये मेरे पास प्रॉपर एक बुक बनी हुई है जिसमें मैंने सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं इन चीजों पे, तो आप लोगों को मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप लोग 4 से 5 महीने अगर इसको टाइम दे दें प्रॉपर 8 घंटे, तो आप लोग यहां से प्रॉफिट ले सकते हैं, आप लोग पैसा कमा सकते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं जो भी क्रिप्टो पे ट्रेड कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, उन सब की तरह आप लोग भी यहां से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस की इंतहाई जरूरत है। जब तक आप लोग प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, जब तक आप लोग प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे सारी की सारी चीजों को, आप लोग कभी भी यहां से अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज भी आपको मिलती रहे मिस्टर कासिम वट्टू चैनल पे, इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा। और अगर आप लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, सीख कर ट्रेड शुरू करना चाहते हैं, तो मिनिमम आप लोगों का जो यहां पर इन्वेस्टमेंट होगी वो $50 ही करें या $100 ही करें, और मैक्सिमम आपकी $100 की ट्रेड होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए $100 से ज्यादा। अगर आप बिगिनर हैं तो $100 से ज्यादा आप इन्वेस्ट इसमें मत करें, ₹30,000 इनफ है, ₹30,000 से ट्रेड शुरू करें। 3-4 लाख या 10-15 लाख रुपया इन्वेस्ट करके अगर आप लोगों को लगता है कि ट्रेडर बन जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं। छोटा कैपिटल लगाएं, उस पे ट्रेड सीखें, ट्रेड सीख के उस $100 को अगर आप $1,000 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो आप प्रो ट्रेडर बन जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।